नमस्कार एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष राजस्थान के रण का चुनावी शोर थम चुका है कल मतदान हो गया चौहत्तर फीसदी से कुछ अधिक मतदान हुआ है और ये मतदान पिछले चुनावों की तुलना में शून्य दशमलव नौ फीसद अधिक बताया जा रहा है तकरीबन पचहत्तर फीसदी मतदान होना अपने आप में राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियों के लिए अलग अलग कयास लगाने का मसला बन गया है और सबके अपने दावे हैं सबकी अपनी बातें हैं सारे बड़े नेता इस समय चुनावी शोर खत्म होते ही अब तीन दिसंबर तक के लिए आराम की मुद्रा में हैं लेकिन इस आराम के साथ उनकी समीक्षा चल रही है उनके सारे कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक हो रही है वो ये तय कर रहे हैं चाहे वो भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे बीएसपी से जुड़े नेता हों चाहे निर्दलीय कद्दावर प्रत्याशी हों अपनी अपनी टीम के साथ ये सभी अब इस गुना भाग जोड़ घटाने में लगे हैं कि आखिर किस पॉकेट से किस मतदान केंद्र से उनको कितने मत उनके पक्ष में मिले होंगे और उसे जोड़ते ही वो अपनी अपनी जीत का आकलन अपने स्तर पर कर रहे हैं ये तमाम जो कवायद हैं ये राजनीति का एक सामान्य क्रम है और ऐसा हर बार होता है लेकिन जनता के मन में क्या था वो तो ई ने कैद कर दिया है ऐसे में जनता इस बार राजस्थान के रण में किसको सिरमौर बनाएगी इसके लिए सभी को तीन दिसंबर का तो इंतजार है इस बीच में बात यह भी आ रही है कि हॉट सीट पर जो मुकाबले थे वो मुकाबले किस तरह कद्दावर बागी नेताओं ने बिगाड़ दिए थे कैसे इस पूरे मामले में सबके गणित को फेल किया था कई बड़ी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी अचानक बन गया लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस को लगता है कि उसका दबदबा है कुछ ऐसी है जहाँ पर लगता है बीजेपी को कि उसका दबदबा है लेकिन सबकी अपनी मुश्किलें हैं सबके अपने संघर्ष हैं सबकी अपनी चुनौतियाँ हैं उसके बावजूद सबका अपना आत्मविश्वास भी है कि क्या सवाल इस बात को लेकर के अब उठ रहा है राजस्थान में कि रिवाज बदलेगा या रिवाज बना रहेगा हम बात कर रहे हैं तीन दशक से चले आ रहे उस रिवाज की जिसमें हर बार राजस्थान की जनता सत्ता को पलट देती है लेकिन इस बार क्या ऐसा ही होगा क्या ऐसा होने से रोकने में बीजेपी के जो बागी हैं वो उनके लिए अवरोध बनेंगे और रिवाज को पलटने में क्या कांग्रेस के बागी कांग्रेस की राह का रोड़ा बनेंगे ये तमाम बातें हैं इन तमाम बातों के बीच में अब केवल और केवल एक बात बचती है कि सब ने अपना विश्लेषण किया सब ने अपना अध्ययन किया सारे दलों ने अपने अपने एजेंटों को बुला करके उनसे माहौल को समझा जाना परखा और एक कच्चा चिट्ठा गणित के तौर पर बना लिया इस बीच में फलोदी का सट्टा बाजार भी खूब चला उसने कई बार अपने ही अनुमान पर गुलटियाँ भी मारी पलटियाँ भी मारी लेकिन क्या फलौदी का सट्टा बाजार इस बार सटीक बैठने वाला है या फिर नेताओं के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा दी गई समीक्षा और उनके द्वारा धरातल से निकाला गया जो निचोड़ है वो साबित होगा या फिर तमाम चैनलों और मीडिया संस्थानों के द्वारा किए गए पोल्स जो हैं वो सटीक साबित होंगे ये तमाम बातें हैं इन बातों का उत्तर तो तीन दिसंबर को ही पता चलेगा अगर एंटी इनकम्बेंसी चली तो 11 बजे से ही लहर समझ में आ जाएगी तीन दिसंबर को कि आखिर मामला किस तरफ जा रहा है लेकिन फिलहाल हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा उस तीन दिसंबर का जब मतगणना होगी और ईवीएम में कैद वोटों के राज जो है जनता के सामने आएंगे तब तक के लिए नमस्कार